दोस्तों, मैं रजनी सिंह सैनी। आज हम व्यक्तिगत का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक पाश्चात्य दृष्टिकोण, दूसरा है भारतीय दृष्टिकोण, तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अंदर कौन आता है? जो क्रेचमर आता है, सैडन आता है, स्पेंसर और युग और जुंग आते हैं। और भारतीय दृष्टिकोण के अंदर ये तीन है, जैसे रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। तो रजोगुणी के अंदर करते जिस जो कर्म करते रहने वाले व्यक्ति आते हैं, कर्म करते रहने वाले व्यक्ति रजोगुण के अंदर आते हैं। और सतोगुणी के अंदर गुण ही गुण होते हैं इसके अंदर। और तमोगुणी है राक्षसी प्रवृत्ति के जो होते हैं उनको बोलते हैं, जिसमें अगुण ही अगुण होते हैं। वो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार है व्यक्तित्व को जो डिवाइड किया गया। और तीसरा आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर जो भावना में बहने वाले और कर्मशील कर्म करने वाले, विचारशील विचारों में डूबे रहने वाले व्यक्ति, तो ये थे व्यक्तित्व का वर्गीकरण की भागों में हमने बांटा है। तो इसको लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।